हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैंने एक वीडियो में तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं टाटा मैजिक एक्सप्रेस स्टार्टिंग प्रॉब्लम के बारे में। कस्टमर का कहना है कि गाड़ी जो है कभी काल स्टार्ट होता है, कभी काल नहीं स्टार्ट हो रहा, तो उसने बाहर भी चेक कराया, उसके बाद हमारे पास लेके आया है। तो अभी हम चेक करेंगे और ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट होकर बंद पड़ जा रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे और लैपटॉप लगा के और देखते हैं हमको प्रॉब्लम कहाँ पर मिलता है, किस चीज़ का है। तो चलिए गाड़ी में सेल्फ देखते हैं। कैसा चालू करते हैं, देखते चालू हो रहा कि नहीं। तो अभी हम गाड़ी में लैपटॉप कनेक्ट करेंगे और देखेंगे गाड़ी किस वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लैपटॉप को कनेक्ट किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे फाल कोड हैं, तो हम उसमें से कुछ को डिलीट कर लेंगे और उसके बाद जो है बस सेल्फ मार के जो है रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं जो फाल कोड हमारा आया है उसी पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर एक फाल कोड हमारा FM सेंसर का कन्फर्म है और बाकी भी हर फाल कोड पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी रेल प्रेशर का जो फाल कोड आया हुआ है और इस पर हम डबल क्लिक करके देखते हैं इसके क्राइटेरिया में, क्योंकि रेल की वजह से, रेल प्रेशर की वजह से गाड़ी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे इन टैंक पंप डिफेक्टिव, फ्यूल लीकेज इन द लो प्रेशर से और फ्यूल फिल्टर क्लोजिंग, नो डीजल फ्यूल टैंक, HP कॉमरेल डिफेक्टिव यानी कि पम्प प्रेशर का बोल रहा है, हाई प्रेशर का इंजेक्टर फेलियर। तो यहाँ पर कॉमरेल जो है प्रेशर कम डेट की वजह से फाल कोड यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे रेल प्रेशर सेंसर और मेटरिंग यूनिट और बाकी जो इसमें कॉमरेल का दिखा रहा है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो है फ्यूल लाइन का सिस्टम दिखा रहा है और यहाँ पे कॉमरेल से उधर का डायग्राम है। तो इसमें जो है एक नंबर जो है 78 नंबर पिन से आया है और दो नंबर 54 नंबर से आया है और तीन नंबर 32 नंबर से आया है ECU से कॉमरेल सेंसर तक का। तो अभी हम चलते हैं बैक और वहाँ पे जो हम चेक करेंगे कि डीजल प्रेशर कितना आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो फाल कोड जो है FM सेंसर का भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो अभी रेल प्रेशर का भी फाल कोड कन्फर्म में आ जा रहा है, तो रेल प्रेशर नहीं डिसाइड हो रहा इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी हम व्हीकल पैरामीटर में चलेंगे और रेल प्रेशर कितना आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो रेल प्रेशर यहाँ पर है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और जो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद अभी हम सेल्फ मारेंगे तो देखते हैं कि डीजल प्रेशर कितना तक जा रहा है। यहाँ पे जो हमको 450-650 के आसपास जो डीजल प्रेशर आना चाहिए जिसकी वजह से गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्टर फायर कर देता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम सेल्फ मार रहे हैं तो यहाँ पर 350 आने के बाद जो है प्रेशर डाउन हो जा रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है और गाड़ी बंद पड़ जा रही है। तो चलिए एक बार और हम जो है सेल्फ मार के देखेंगे कितना प्रेशर जा रहा है। तो अभी हम फिर से चाबी ऑन ऑफ कर देंगे और इसको हम बैक करते हैं स्टॉप ऑन के और वापस जो है पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे भी हम सेल्फ मार के फिर से चेक करेंगे क्योंकि प्रेशर जो है कभी कल कम दिखा रहा, कभी कल जो है ज़्यादा आ रहा, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट हो रहा और फिर बंद पड़ जा रही है। तो यहाँ पे जो 350-350 प्रेशर जा रहा है और उसके बाद जो डाउन हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रेशर है 90-80-70-60 आके जो है वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो फिल्टर का प्रॉब्लम हो सकता है या पंप का प्रॉब्लम हो सकता है या जो है मेटिंग यूनिट का। तो अभी हम चेक करेंगे और प्रॉब्लम कहाँ पे मिला है वो हम बताते हैं और दिखाते भी हैं किस चीज़ का प्रॉब्लम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पंप का रोलर जो है ये टूटा वाला है जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो अभी ये जो कभी कल गाड़ी स्टार्ट होता था, कभी कल नहीं। तो यहाँ पे पंप रोलर की वजह से जो है बैलेंसर शॉफ्ट में जो है पिले ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता था और रोलर ख़राब हो गया है, घिस गया था ज़्यादा। और काला पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, जब उसका रोलर जो अटक जाता था और उसी पे गाड़ी कभी कभी स्टार्ट होता था, नहीं तो ये राउंड लेता था।
जिसकी वजह से जो डीजल का प्रेशर नहीं आ रहा था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से जो है कैम इसका डालना पड़ता और बैलेंसिंग का, और जिसकी वजह से इंजन ही कस्टमर बोला चेंज करने के लिए, क्योंकि इसका ऑयल बहुत लीक हो रहा था, तो उसकी वजह से जो इसको चेंज करेंगे और कस्टमर नया इंजन डालने के लिए तो नया इंजन इसमें डाल के चेक करेंगे, और उसके बाद पंप भी रोलर भी नया डालना पड़ेगा क्योंकि रोलर की कंडीशन टूट गई है। तो ये पुराने वाले पंप का जो है हाउसिंग है, अब आगे हमने छोटा करके खोला था। ये नए इंजन का देख सकते हैं बैलेंसिंग शाफ्ट जो है पूरा नया है, उसमें क्या होता है गड्ढा हो गया था घिस घिस के, इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। जो पंप का रोलर जो है ये टूटा वाला है, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो अभी ये जो है नया लगाएंगे, देख सकते हैं नया की स्थिति कैसे रहती है। ये पुराना टूटने की वजह से कभी कल गाड़ी स्टार्ट होता था कभी कल नहीं। तो अभी ये नया वाला जो हम फिट कर लेते हैं नए इंजन में, तो क्योंकि इसका जो है कस्टमर बोला नया इंजन डालना, तो नया इंजन आ चुका है, तो यहाँ पे सारा फिटिंग जो चालू हो चुका है। तो यहाँ पे जो कैम का और जो है कैम सेंसर का जो गैप जो हम चेक कर रहे हैं, तो गैप जो बराबर है, और इसको कैम का टाइमिंग लेने के बाद जो इसका कैम सेंसर के और गैप के बीच जो है हम चेक करेंगे गेज लगा के, ऐसा जो नए गाड़ी में चेक करना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे जो है पंप का फिटिंग हो चुका है और बाकी इंजन का जो है फिटमेंट पूरा हो चुका है, तो अभी गाड़ी का एयर निकालेंगे, और एयर निकालने के बाद जो है गाड़ी को स्टार्ट होना चाहिए, और अभी आगे का चेक करेंगे। तो चलिए गाड़ी का फटाफट हम एयर निकाल लेते हैं। एयर निकालने के बाद जो है गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, और स्टार्ट होने से पहले भी हम रेल प्रेशर चेक करेंगे और देखते हैं रेल प्रेशर हमारा कितना तक जा रहा है, और उसके बाद गाड़ी कितने तक स्टार्ट हो रहा है वो हम चेक करेंगे। तो चलिए फटाफट हम गाड़ी का एयर निकाल लेते हैं, डीजल का एयर एक एक करके हम एयर निकालेंगे। सेंसर के पास है यहाँ पर है। देखो उतना कितना प्रेशर जा रहा है, टारगेट कितना हो रहा है। इसका वेट का कुछ जुगाड़ करना पड़ता था, अभी लोकल में जाके करना पड़ेगा, अपन करना पड़ेगा। चल मार सर, मारा भी स्टार्ट होता है गाड़ी सीधा। तभी हमने ये सब निकाल लिया है, तभी गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, मारो सेल्फ। तो फाइनली जैसे कि गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और गाड़ी का जो है तेल पैसा 650 के ऊपर जा रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन घंटी को दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।